इस वक्त मैं मौजूद हूं पंचकुला विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर विधानसभा क्षेत्र को लेकर चुनाव जो हो रहा है उसको लेकर बात करेंगे जनता से, जनता की जो नब्ज है उसे टटोलने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से 5 साल में खट्टर सरकार ने हरियाणा वासी के लिए क्या कुछ किया है। हालांकि आप बैकग्राउंड देख सकते हैं कैमरे में, मैं पैन करने के लिए बोलूंगी कैमरामैन से, कैमरामैन आप दिखाएं किस तरीके से यहाँ समोसे बनाए जा रहे हैं, नमकीन है और कई सारी चीजें हैं, यहाँ दुकान पर पकौड़े भी तले जा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर दिलचस्प होगा क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले क्या लोकसभा चुनाव से पहले भी हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि रोजगार अगर अच्छा है तो उसमें अगर ऐड कर दिया जाए तो वो पकोड़ा तलना भी है। क्या कुछ कहेंगे आप विधानसभा चुनाव? हाँ बिल्कुल अच्छे हैं जी, विधानसभा चुनाव आएंगे तो वोट देंगे। किसको वोट देंगे, क्या मतलब क्या नजरिया है आपका? सरकार को देंगे जी, इन्होंने सरकार जो भी है अच्छा काम किया सरकार ने। अच्छा। तो देखेंगे कौन सी पार्टी इन्हें अच्छे कैंडिडेट होंगे उनको वोट देंगे। तो जानना चाहूंगी कि अभी बेरोजगारी है, बहुत सारी चीजें ऐसे समस्या जो आपके सामने है, क्या कुछ कहेंगे 5 साल में आपको आपने की सरकार ने क्या कुछ दिया? बेरोजगारी तो बहुत बढ़ गई है जी और महंगाई भी इनकी काफी बढ़ गई है। और ठीक है कुछ डेवलपमेंट के काम भी किए हैं जैसे पुल बनाने और बनाने, तो इनके सड़कें, पर फिर भी बहुत कुछ करना बाकी है। अभी सड़कों में खड्डे हैं और इनकी कमेटी भी अपना जो मार्केट कमेटी है वो भी अपना, म्यूनसिपल कमेटी है नगर पालिका वो भी अपना काम ढंग से नहीं कर रही है। खड्डे वगैरह हैं कोई देखता नहीं है, नोबडी बॉदर्स कि इनके ये भरने चाहिए खड्डे सड़कों पे, जो बन जाते हैं वो टूट जाते हैं, 6 महीनों में टूट जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा मेंटेनेंस जैसे सड़क बनाते हैं तो उनको इनके कम से कम उनका कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखना चाहिए कि इसको मेंटेनेंस जो है 5 साल के लिए हम इनके यू विल हैव टू बियर जो भी एक्सपेंडिचर होगा मेंटेनेंस पर। अब जानने की कोशिश करूंगी आपसे कि सबका साथ सबका विकास को लेकर क्या सरकार कर रही है? सबका साथ सबका विकास को लेकर सरकार ठीक कर रही है और होना भी चाहिए, उसी को वोट देंगे जो अच्छा काम करेगा। क्या लग रहा है इस बार चुनाव कैसा होगा, क्या राय है आपको? चुनाव तो काम के ऊपर है, जैसा कोई काम करेगा वैसा चुनाव होगा, वैसे वोट मिलेगी। 5 साल में सरकार ने क्या विकास किया आपके नजर में? अच्छा किया है, बढ़िया विकास किया है, सड़कें बनवा दी, जॉब नौकरियां वगैरह लगवा दी, महंगाई कम कर दिया। बहुत अच्छी बात आपने कही कि जॉब लगवा दी है, छटनी लगातार जारी है, इसके बाद आपका सरकार नौकरी दे रही है? दे रही है बिल्कुल, देखो पहले से ज्यादा नौकरियां मिली है इस सरकार में जी। मैं जानना चाहूंगी विधानसभा चुनाव है, क्या कुछ कहेंगे, क्या राय है आपकी? चुनाव है जी, बिल्कुल चुनाव है। क्या मुद्दा होगा जिसे देखकर आप वोट डालेंगे? ये मोदी सही कर रहे हैं, खट्टर साहब सही कर रहे हैं, कोई मुद्दा तो है ही नहीं मेरे पास। मंदी तो सारी मंदी तो हर जगह ही है, पूरे वर्ल्ड में है, यूएसए में है, जर्मन में है, चाइना में है, वहाँ तो मोदी नहीं है, वहाँ भी मंदी है, वहाँ भी जीएसटी है, ये तो नेचुरली है। मतलब जीएसटी है, मंदी है, ये सब सही है, अर्थव्यवस्था खराब है, ये भी सही है? नहीं पूरे वर्ल्ड में है ना मंदी, कल भारत में थोड़ा ये तो हम आप सर्च करके देखो ना। नहीं आप भारत में रहते हैं या विदेश में रहते हैं? नहीं देखो पूरे वर्ल्ड में है ना, तो भारत अलग थोड़ा है वर्ल्ड से, तो मंदी इसमें भी है, मोदी कसूर तो नहीं इसमें। इन्होंने तो टिकट दी कि मोदी कसूरवार नहीं है, देखते हैं जनता और क्या कुछ कहती है सरकार के लिए, सरकार ने क्या कुछ किया है उसके लिए जानने की कोशिश करेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आपने, हमने, सबने सुना होगा, लेकिन क्या बेटियां देश में सुरक्षित है, इस पर हम सवाल पूछेंगे इन बच्चियों से। आप छोटी छोटी बच्चियां स्कूल जाती हैं, क्या दिक्कतें आती हैं आने जाने में रास्ते में? कुछ नहीं, बस अच्छा ही हो रहा है, अच्छी पढ़ाई हो रही है क्लास में, स्कूल में भी, और जो प्रधानमंत्री ने इतना अच्छा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन चालू किया है, सब अच्छा है। आपको कोई दिक्कत नहीं होती कभी भी? होती है कभी कभी। क्या होता है रास्ते में आप जाती है, क्या होता है आपके साथ? मैम लड़के छेड़ते हैं। सच्चाई यही है? तुमको क्या लगता है? मैम यही कि रास्ते में कभी कभी लड़के मतलब सीटियां बजाते हैं या ऐसे ही छिड़कानियां करते हैं ये सब। क्या आप एक लाइन में कह सकती हैं कि देश में बेटियां सुरक्षित हैं? नहीं है, नहीं है मैम। आप क्या कहेंगे? नहीं बिल्कुल, ये बच्चे स्कूल की है,
जिसने साफ कहा है कि मोदी सरकार ने वाकई नारा दिया है, स्लोगन दिया है, अच्छा काम किया, मिशन काफी अच्छा है, नाम दीवार से लेकर ट्रैक्टर के पीछे भी लिखा मिलेगा कि बेटियां सुरक्षित हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा तो लगाते हैं, लेकिन सच्चाई और हकीकत कुछ और बयां कर रही है। दो बच्चियां थी जिन्होंने साफ कहा है कि बेटियां वाकई सुरक्षित नहीं है, कई ऐसे कांड होते हैं, बच्चियां घर से बाहर जाती है जिसको लेकर परेशानियां होती, स्कूल कॉलेज हो, घर हो, बाहर हो, कहीं भी बेटियां सुरक्षित नहीं है, लेकिन सरकार को देखना होगा कि वाकई ये मिशन कामयाब होने के लिए उनके पास और क्या कुछ ऑप्शन रह गया है। यहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे कि वाकई विधानसभा चुनाव से पहले जनता क्या सोच रही है, उनकी क्या राय है, क्या राय है विधानसभा चुनाव होने वाला, वोटिंग के लिए आप तैयार हैं? हर बार हम वोट देते हुए यही सोचते हैं कि इस बार सरकार आएगी और हम अपने वादे पूरे करेगी, जो हर बार नहीं होता, इस बार भी हम यही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि सरकार आएगी और अपने पूरे वादे करेगी, और हम तो बीजेपी को डालेंगे जी वोट, बीजेपी के पक्ष में हम। आप बीजेपी के पक्ष में? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कुछ ऐसी बताएं जो रोजगार से लेकर हो, क्योंकि आप अंडे की दुकान है आपके पास। हाँ जी। क्या बिक्री है, कैसे चल रहा? रोजगार तो अभी मंदा ही है जी, रोजगार तो मंदा ही है, अभी आखिरी तरीके चल रही है, बाकी बाजार भी सारा मंदा ही पड़ा है, और बाकी चुनाव से हमें बहुत उम्मीदें हैं कि इस बार शायद हमारा कैंडिडेट आए और हम अपने वादे पूरे करें, तो हम यही चाहेंगे कि बीजेपी सरकार में आए, सत्ता में आए। धन्यवाद जी। इन्होंने पहले कह दिया है कि हम बीजेपी सरकार को ही वोट देंगे, अपना अपना मत है, कोई भी किसी को दे सकता है, किसी से भी वोट आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, सबको अपना हक है वोट डालने का। यहाँ पे हम बात करें इन लोगों से, क्या आपको मंदी की मार है? हाँ जी, मंदी की मार है, क्या परेशानी? नहीं नहीं, आप ठीक ठाक है, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं। क्या मंदी का कुछ असर इनको देखने को मिल रहा है? जी देखिएगा, लोग कह रहे हैं कि मंदी का असर, पर मेरे कामकाज पे या जो मेरे मित्र हैं उनके कामकाज पे कोई असर नहीं है इस बात का। ठीक है जी, तो मेरा काम तो बल्कि एक पहले की बजाय देखा जाए तो GST जब से आया तो बहुत ही अच्छा एक बढ़ गया है। रिटर्न वगैरह पहले हमें एक वकील से करवानी पड़ती थी, और हमें उसके लिए एक, जैसे कि आप समझते हैं कि सरकार में भी एक बड़ी ही मुश्किल होती थी रिटर्न वगैरह भरना, तो अब ये बहुत ही आसान काम हो गया, मैं ये काम खुद ही कर लेता हूँ आराम से। विधानसभा चुनाव आने वाला है जी, विधानसभा चुनाव में मेरा तो यही एक ख्याल है कि भारतीय जनता पार्टी ही करना चाहिए, क्योंकि भले ही और जो बाकी सब बातें छोड़ दे तो राष्ट्रवाद एक सबसे बड़ा मुद्दा है, तो हम यही कहेंगे कि हाँ भाजपा ही द्वारा आनी चाहिए। आपने राष्ट्रवाद की बात की है, इतने सारे अटैक होते जा रहे हैं, बच्चियां सुरक्षित नहीं है देश में और रोजगार नहीं है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, रोजगार का जहां तक मुद्दा है, भले ही आंकड़े कुछ भी कहें, पर मुझे नहीं लगता है कि रोजगार सिर्फ एक और चीज फैलती है कि जब देश में फैक्ट्री आती है। मोदी जी ने मेक इन इंडिया पे सबसे ज्यादा जोर इसी बात पे दिया है, क्योंकि अगर यहाँ पे देश में, अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग होगी तो सबसे ज्यादा एक यहीं पर ही एक उससे रोजगार ही होते हैं। आपने फैक्ट्री की बात की है, लाखों फैक्ट्रियां बंद कर दी गई है। देखिएगा जी, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। एक बताइएगा, अगर आप जितना भी उत्पादन पहले हो रहा था तो इसमें मोदी जी की मुझे कोई ऐसी पॉलिसी नहीं लगी किसी भी हालत में कि भी हाँ उनसे लगा हो कि फैक्ट्रियां बंद हो रही है। इन पर मंदी का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है, साफ कहना है कि मंदी का कोई असर नहीं है। अभी हम विधानसभा क्षेत्र पंचकुला में थे, जहां पूरी तरीके से जाने की कोशिश किए, हमारी टीम हमारे साथ है, ये जाने और टटोलने की कोशिश किए क्या मंदी का असर है, क्या शिक्षा है, क्या बेरोजगारी, इन पर सबने चुप्पी साध ली है। देखते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ और मूड बनता है, क्योंकि अभी वक्त काफी है। नमस्कार, मैं हूं दीपशिका और हम आज खड़े हैं विधानसभा चुनाव जो नजदीक आ रहे हैं इसी को लेकर आज हम आए हैं पंचकुला क्षेत्र में। वहीं हम जानेंगे कि चुनाव को लेकर, जैसे कि आप सब जानते हैं कि विधानसभा चुनाव नजदीक है और आचार संहिता लग गई है, इसको लेकर हम बात करेंगे लोगों से, उनकी क्या राय है चुनाव को लेकर। तो हमारे साथ ये महाशय खड़े हैं, हम जानेंगे कि आपका नाम सर? मेरा नाम योगेश कुमार है। सर का नाम योगेश कुमार है, यह हम इनसे जानना चाहेंगे कि चुनाव जो है, विधानसभा चुनाव नजदीक है, इनको लेकर इनकी क्या राय है सरकार को लेकर, तो सर आप क्या कहेंगे? एक्चुअली सरकार जिन मुद्दों पे अभी आना चाहती है तो वो विकास और शिक्षित लोग, अगर शिक्षा की हम बात करें तो ये दो मुद्दे होने चाहिए मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा। चिकित्सा में हम हरियाणा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, हाँ लिंग जो हमारा अनुपात है वो काफ़ी अच्छा हुआ है पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें, शायद 1000 मेल्स पे अब 900 गर्ल्स क्रॉस कर चुके हैं, जो 850 से भी कम था।
और दूसरा अगर शिक्षा की हम बात करें तो शिक्षा अभी अगर आप बड़े बड़े सिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे तो ठीक है, मगर छोटे क्षेत्रों में और सरकार को काम करने की ज़रूरत है। इस सरकार से थोड़ी अपेक्षाएं थी मगर मुझे नहीं लगता कि वो पूरी तरीके से पूर्ण हुई हैं, मगर अगर कोई इस सरकार से अच्छा हमारे पास विकल्प होगा तो शायद हम उस तरफ जाएं। तो इन्होंने हमें बताया कि लिंगानुपात को लेकर इन्होंने बात करी, उन्होंने चर्चाएं की कि इनको आशाएं थी कहीं ना कहीं जनता को कि ये सरकार है जो ये बदलाव करेगी, पर इन्होंने इनको नहीं लगता कि कहीं बदलाव हुआ है। तो इसी को लेकर हम जानेंगे और लोगों से कि उनकी क्या राय है, वो क्या जानना चाहते हैं कि क्या सरकार है, उन्होंने विकास किया या नहीं किया। जैसे कि अब हम तस्वीरें देख सकते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, हम कुछ युवाओं से बात करेंगे कि युवाओं का क्या कहना है। आपका नाम? हितेश। आप स्टूडेंट हैं? कहाँ पे? चितकारा। चितकारा में स्टूडेंट है। तो आपको क्या लगता है कि जो हमारी सरकार है वो रोजगार को लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने की आकांक्षाएं हैं, उनको लगता है कि सरकार है जो उन्होंने काम किया है बेरोजगारी को लेकर या कुछ भी? मेरे को नहीं लगता कि अभी इतना काम हो रहा है, पर होगा तो उसकी कोई आज पता नहीं मेरे को भी। चलो, आप ये सभी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, आपको क्या लगता है विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है? नो कमेंट्स। तो यहाँ पे जो माहौल है वो थोड़ा सा अटपटा सा है क्योंकि लोग जानना और मतलब कि कहना नहीं चाहते विधानसभा चुनाव को लेकर, हालांकि इनका ये कहना है कि बेरोजगारी को लेकर कहीं ना कहीं ये बात करते हैं। चलो आइए हम जानते हैं। नमस्कार सर। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी चुनाव, विधानसभा चुनाव जो आ रहे हैं इनको लेकर आपकी क्या राय है कि सरकार है उसने क्या काम किया और आपको क्या लगता है उनकी क्या अपेक्षाएं? अच्छे काम किए सरकार ने। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? नहीं, बस रोजगार मिले सबको। तो आपको क्या लगता है कि जो स्वच्छ भारत अभियान है और जो मोदी के जो मतलब नारे दिए थे जो उनको लेकर क्या सरकार खरी उतरी है या नहीं खरी उतरी? जी, काफी हद तक खरी उतरी है सर। जी, तो ये थे हमारे साथ और यहाँ पे तो हमारे साथ एक और हमारे जो सहभागी है वो जुड़ चुके हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो विधानसभा चुनाव है उनको लेकर इनकी क्या राय है। सर, जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं इनको लेकर आचार संहिता भी लगी है, तो आपको क्या लगता है कि चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी के वोट दे के हम बहुत पछता रहे हैं जी, सारे व्यापार खत्म कर दिया है और बेरोजगारी बिल्कुल दोबारा से फिर हो गई है। तो हम कांग्रेस को वोट पाके बड़े खुश थे, पहले बेरोजगारी बिल्कुल नहीं थी उस टाइम। जैसे कि हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सरकार है वो कहीं ना कहीं जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, इसको लेकर आप क्या कहना है कि जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है उनका फायदा कहीं ना कहीं है? नहीं, उनका कोई फायदा नहीं। तो ये इनका साफ कहना है कि मतलब ये सरकार से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे और लोगों से। तो हमारे साथ महिलाएं जुड़ गई हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव नजदीक है और आचार संहिता लग गया है, इनकी क्या राय है, ये क्या देखती हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर। तो आप जैसे कि आप जानते हैं मैम कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, आपको क्या लगता है कि सरकार से आपकी जो अपेक्षाएं थी क्या सरकार उन अपेक्षाओं पे खरी उतरी है या नहीं? कुछ पे उतरी है, कुछ पे नहीं उतरी। बेटी बचाओ वाला तो है ही है मेन मुद्दा, उसके बाद ये जो बच्चे घूम रहे हैं इतना पढ़ लिख के भी उनको जॉब नहीं मिल रही वो भी है ही है। तो मतलब ठीक ठीक है, संतुष्टि भी नहीं है और दोनों साइड है। जी, इन्होंने हाँ बात की है सेफ्टी की, कहीं ना कहीं इनको भी यही लगता है कि सेफ्टी को लेके जो महिलाएं हैं उनकी जो सुरक्षा है उसको लेकर हम बात करेंगे। हम इन महिलाओं से बात करेंगे कि इनको क्या लगता है कि जो आज के टाइम में महिलाओं की जो सुरक्षा है उनको लेकर मुद्दे, बहुत सारी ऐसी सूचना आती है और ऐसी खबरें आती है कि छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार होता है, उनको लेकर आपको क्या लगता है कि सरकार में जो लड़कियां हैं जो महिलाएं हैं वो जो छोटी छोटी बच्चियां हैं वो सुरक्षित है या नहीं है, तो आपके क्या कहना है इस पर? सुरक्षा का ऐसा है आज के डेट के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बच्चों को लेके सबकी टेंशन बढ़ गई है कि इनकी सेफ्टी कैसे होगी। मुझे लगता है जो जितने भी रेपिस्ट है ना उनका पता लगते ही साथ ही उन्हें चौराहे पे फांसी दे दो, और जहां चार को आप फांसी दोगे ना पांचवा रेप करने से पहले 50 बार सोचेगा। इस तरह के स्ट्रिक्ट स्टेप्स जब तक नहीं उठेंगे सेफ्टी मुझे नहीं लगता बढ़ेगी, क्योंकि लोग निडर हो गए, रेप करते हैं सालों केस चलते रहते हैं उनका कुछ बिगड़ता नहीं, आधे तो ऐसे हैं जो बूढ़े हो गए मर भी गए उनके केस चल रहे हैं अभी कोर्ट्स के अंदर पड़े हुए हैं, इसी वजह से लोग निडर हो गए हैं। अभी यही देख लो ना ताज़ा इसी का ही हाँ। है कितना उसको मानते हैं भाई स्वामी है ये वो है, जो उन्हीं पे विश्वास नहीं है तो फिर किस पे विश्वास करें? विश्वास तो रहा ही नहीं ना आजकल किसी पे। तो
तो ये बिल्कुल सही है जो हमारी महिलाएं हैं वो बिल्कुल सही कह रही है, जो गुरु हैं, जो कहीं ना कहीं जो साधु संत है उनके मामले बहुत सारे सामने आए हैं, बहुत सारे ऐसे साधु संत है जिनको गिरफ्तारी की गई है, जो कोर्ट में है, इनको लेकर इन्होंने महिलाओं की सुरक्षा, जब वो ही महिलाओं के साथ ऐसे दुराचार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो आम जनता है, आम जो नागरिक है वो तो क्यों नहीं करेगा। और आपको पता है हवस के नागरिक कहीं ना कहीं घूमते ही रहते हैं, भेड़िए जो है वो महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, उनके साथ दुराचार करते हैं। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जो देश में बेरोजगारी है, बेरोजगारी का आपको पता है कि किस तरह बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है, इसको जानेंगे हम कि आपको क्या लगता है मैम कि जो देश में बेरोजगारी है वो बड़ी हद तक बड़ी है या कम हुई है? बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी है। बच्चे इतना पढ़ लिख के भी इतना घूम रहे हैं तो है ही, ये मेन मुद्दे होने चाहिए, तभी है। अब सरकार हम बनाते हैं, हम चुनते हैं और हमें ही नहीं कुछ फैसिलिटीज मिलेगी तो उसका कोई फायदा नहीं ना। अब इतना पढ़ लिख के भी, अब बीटेक करके एमटेक करके बच्चे पीएन तक की जॉब नहीं मिल रही उनको, वो ये सोचते हैं हमें यही मिल जाए, वो भी नहीं मिल रही। जी, जैसे कि इन्होंने बोला है कि बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है कि जो लड़के लड़कियां हैं इतना पढ़ते लिखते हैं और कहीं ना कहीं सरकार भी उनको ये कहते हैं कि आप पकौड़े तल लीजिए। आप जो सरकार ने ये मुद्दा उठाया था कि पकौड़े तल लीजिए, इन पर आप क्या कहना चाहेंगे? पकौड़े तलने वाले बल्कि ठीक है, यही कह रही है सारे हैं वो ठीक है, बाकी गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट तो नहीं निकाल रही ना कोई। तो ये थे, हमने आज बात करी है, पंचकुला में हम मौजूद है, हमने बात करी कि जो विधानसभा चुनाव है वो नजदीक है, सरकार का क्या रुख है, सरकार ने क्या विकास किया चुनाव में, इसको लेकर हमने कहीं ना कहीं हर किसी से नब्ज टटोली है लोगों की कि उनकी क्या राय है, वो क्या जानना चाहते हैं चुनाव को लेकर। चलिए, इस पर हमने आज बात की है। नमस्कार।